देखो, कुछ लोगों को बहुत टाइम हो गया है इस जर्नी में आके, फिर भी उनके रीयूनियन नहीं हो पा रहे हैं। तो क्यों नहीं हो पा रहे, मैं बताती हूँ। देखो, निगेटिव एनर्जी जो है ट्रैप में रखती है, माया में रखती है, तो अक्सर ये थर्ड पार्टी के रूप में होती है। फिर वो थर्ड पार्टी जो है कोई भी हो सकती है, क्योंकि पहले अवेकनिंग होती है डिवाइन फेमिनाइन की, तो सारी चीज़ें वो समझ जाती है और अपने डीएम को अवेयर कराने की कोशिश करती है। बट डीएम की लाइफ में एक लेडीज़ फॉर्म में, जनरली लेडीज़ फॉर्म में होती है, फिर माँ की फॉर्म में हो या किसी के भी फॉर्म में हो, बट होती है। तो ऐसे में वो नेगेटिव एनर्जी जो कि बड़ा ही प्यारा सा रूप ले लेती है, जो कि बहुत ही मासूम सा रूप ले लेती है, यहाँ तक डिवाइन फेमिनाइन भी जो है उसको जल्दी से समझ नहीं पाती, वो भी उसको बहुत प्यारी लगती है, वो उसको अपनी सी लगती है। पर जब अवेकनिंग होती है तब डिवाइन फेमिनाइन को वो समझाया जाता है कि देखो ये जो है मैटर ऐसा है। तो ये भी हो सकता है कई बार डीएम की लाइफ में जो भी लेडीज हो, माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, जो भी हो, बेटी भी हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, तो उनके शरीर में भी ये घुस सकते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज, या ये खुद एक नेगेटिव स्टार सीड कह सकते हैं या नेगेटिव सोल हो सकते हैं, जो कि नहीं चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम का रीयूनियन हो। ट्विन फ्लेम का रीयूनियन इतने लेट क्यों होता है? देखो, जब आपकी वासना उतर जाती है, मतलब आपके प्यार में जो है वासना नहीं रहती, वो एक प्योर लव रहता है, जब तक आप फिजिकली उसको फील करते हो तो एक वासना के फॉर्म में ही वो रहता है। जब आप सोल लेवल पर फील करने लगोगे कि आप एक ही हो, तो पानी की इच्छा नहीं रहती, उसके पीछे भागने की, पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि हम तो भाई एक ही है। बट फिर भी आपका सोल पर्पस है, इसके लिए आपको रियूनियन करना है, कुछ कार्य भगवान आपके हाथों से करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में रियूनियन नहीं होगा तो कुछ पर्पजेस रह सकते हैं, तो भगवान आपको वो भी उसके सोल्यूशन ऑटोमेटिक किसी न किसी के थ्रू भेजता है, जैसे मेरे थ्रू भेज रहा है। ओके, तो मैं ये डीएम और डीएफ दोनों से कहना चाहती हूँ कि दोनों ही आप भैरव मंत्र का जप करें। भैरव जो है महादेव के ही अवतार है, और इनके मंत्र जप से आप वो चमत्कारिक चीज़ें देखने लगोगे लाइफ में जो आपको इससे पहले नहीं मिली होगी। आपको भैरव मंत्र से मनी ब्लॉकेज आपके रिलीज होंगे, आपका रियूनियन भी होगा, वैवाहिक जीवन का सुख भी आपको मिलेगा। भैरव वो सारी बाधाओं को दूर करते हैं जो निगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या, ये जो है मायावी रूप ले लेके डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में आते हैं, उनको ट्रैप करके रखते हैं। तो ऐसे में अगर आप भैरव मंत्र का जप करते हो, तो देखो मैं किसी पे आरोप भी नहीं लगाती ओके, क्योंकि आप सोचोगे फिर डीएम की लाइफ में जो होती है वो निगेटिव एनर्जी होती है, ऐसा सोचोगे, तो मैं ये कंफर्म नहीं कह सकती कि वो निगेटिव आत्मा ही है, हो सकता है उसके शरीर में निगेटिव आत्माओं ने प्रवेश कर लिया हो, तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। देखो, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन 40 के नियर आ चुके हैं, जैसे मैं अभी आ चुकी हूँ, तो ऐसे में जो है अट्रैक्शन नहीं रहता फिजिकल वगैरह, और क्योंकि हमारी जर्नी ऐसी होती है स्टार्टिंग से कि स्पिरिचुअलिटी को ही हम खुद को डेडिकेट कर लेते हैं, बट 3D में हमें समटाइम्स मतलब अवेकनिंग के बाद तो अकेले ही रहते हैं ना, जनरली डिवाइन फेमिनाइन डिवोर्सी होगी, कुछ तो होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको पैसे भी कमाना है, इसलिए वो 3D में अभी अवेकनिंग के बाद भगवान चांस भी देता है, जैसे मुझे चांस दिया है हॉरोस्कोप रीडिंग वगैरह, और कमाने का चांस देता है, वो उसमें लगी हुई है, ये सच है, बट उसको अभी वो क्रेविंग नहीं है, वो अपने सोल पर्पज़ में मस्त है, पैसे कमाने में मस्त है, और उसको लग रहा है कि भाई अपनी सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर में जो है पैसे चाहिए, तो वो अपनी सिक्योरिटी बनाना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, बट फिर भी उसको एक डर है कि क्योंकि डिवाइन उसको गाइड कर रहा है, डिवाइन भगवान उसको बता रहा है कि तुम्हारा डीएम जो है एक निगेटिव आत्मा के चक्कर में फंस चुका है,
तो अब वो सोच रही है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसको बताऊंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा, नहीं तो मैं क्या करूँ। देखो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अगर पूरी तरह से अवेकनिंग हुई है तो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि उनको भी तो साइन मिले होंगे और वो भी ऑटोमेटिक को समझ जाएंगे। बट अगर फिर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप जो हो उन्हें उस निगेटिव एनर्जी से छुड़ाओ। देखो, यहाँ आपको आपके डीएम को पानी के लिए उसको उसकी शादी तोड़ना या किसी रिश्ते से उसको तोड़ना नहीं है, और ये जो भैरव की आप साधना करते हो किसी को तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ भूतों प्रेतों से रक्षा के लिए बनाया गया है। अगर आप भैरव मंत्र का जप करते हो, आप खुद के लिए भी, खुद के डीएम के लिए भी, तो आप खुद भी इन बुरी शक्तियों से बच जाओगे, आपको ये परेशान नहीं करेगी, आपके डीएम को भी आप बचा लोगे। अगर उसके पास भी कोई बुरी शक्ति है जो उसकी आत्मा की एनर्जी को चूस रही है, उसको स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, वो चाहती है कि उस ये डीएम जो है आपका उसके ट्रैप में फंसा रहे और कभी भी आपका रियूनियन ना हो, तो सिर्फ बताती हूँ कितना भी इनर वर्क कर लो, लेकिन अगर भैरव मंत्र का जप अगर नहीं करते आप, तो रियूनियन इस समय तो इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि बुरी शक्तियाँ आपका रियूनियन होने नहीं देगी। तो इसीलिए आपको भैरव मंत्र का जप करना ही चाहिए, और उसके इफेक्ट रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, तुरंत आपके मनी ब्लॉकेज रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये बुरी शक्तियाँ नहीं चाहते आपके हाथों में पैसा आए, आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, आपका कुछ भी अच्छा हो, ये नहीं चाहते। इसीलिए ये जो है कुछ ना कुछ बहाना बन के दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टीज क्रिएट कर दी जाती है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि भैरव मंत्र का जप कीजिए और एंसेस्टर हीलिंग कीजिए, पीपल की पूजा कीजिए, भगवद गीता का 7th चैप्टर पढ़िए। तो पीपल की पूजा के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, भगवद गीता के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। कल मैंने एंसेस्टर हीलिंग का वीडियो बनाया है, वो देखिए। हमेशा के लिए जिनकी भी एंसेस्टर हीलिंग के लिए मैं आपको वही अब वीडियो सेंड करूंगी, क्योंकि वो उसमें मैंने सारे उपाय बताए हैं कि कैसे एंसेस्टर हीलिंग करते हैं। तो अब इसको जोक मत लो, जबकि आपने इतनी साधना की है, आपकी कुंडली राइज हो चुके हैं, सब कुछ हुआ है, मनी ब्लॉकेज हील हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, फिर भी रियूनियन नहीं है, तो भैरव मंत्र का जप कीजिए। भैरव ही आपका रियूनियन करा सकते हैं, क्योंकि बुरी शक्तियाँ भैरव से थर थर कांपने लगती है। अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन भी ये सुन रहा है तो उसको भी भैरव मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र बताती हूँ और कमेंट बॉक्स में मैं लिख कर भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर दूंगी, आप भैरव मंत्र का जप कीजिए। इससे जो है आपके सारे विघ्न हर लेंगे। विघ्नहर्ता का भी, श्री गणेश का भी स्मरण कीजिए, अथर्वशीष के 21 पाठ कीजिए रोज, और चमत्कार देखिए इस चीज़ के, भगवान के चमत्कार देखिए, सारे विघ्न को हर देंगे। तो विघ्नहर्ता काल भैरव, हनुमान जी, दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, तुलसी के नीचे दिया लगाइए, ये सारी चीज़ें कीजिए अपने रियूनियन के लिए। देखो, मैं मानती हूँ आपके शरीर में हो सकता है भूख भी नहीं है, आपको इच्छा भी नहीं है कि आप अपने डीएम के पास जाओ, तृप्त हो आप, फिर भी आपका कर्तव्य है कि अगर आपकी आधी सोल किसी डार्क एनर्जी के कंट्रोल में है तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए काल भैरव से कि आपके डीएम को उस डार्क एनर्जी से छुड़ाए। हम यहाँ किसी के भी वैवाहिक जीवन को उध्वस्त नहीं करना चाहते, हम क्या चाहते हैं कि हमारा डीएम जो है सुरक्षित रहे। भले ही हम उससे प्यार करते हो ना करते हो, ये अलग बात है, हमारे मन में उसके लिए अभी कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये अलग बात है, बट वो हमारी आधी सोल है तो वो सुरक्षित रहनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा ही पार्ट है ना वो, तो हम हमारे लिए ही सुरक्षा क्यों नहीं मांगेंगे। हम खुद ही आधे उसके कंट्रोल में डार्क एनर्जी के फंसे हुए हैं, तो हमको हमारे लिए तो प्रार्थना करनी ही चाहिए। तो ये सारे उपाय कीजिए, भैरव मंत्र का 21 माला जप शाम को कीजिए,
और काल भैरव चालीसा बोलिए। जब भी कोई निगेटिव एनर्जी आपको लगे कि उपस्थित है आसपास में, तो काल भैरव चालीसा सुपर फास्ट मिलता है, लगा दीजिए मोबाइल पे, फिर देखिए कमाल। और ट्विन सोल्स के साथ तो ये डार्क एनर्जी के अटैक होते ही रहते हैं। काल भैरव ही आपको बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे बचाया है, मुझे काल भैरव ने ही बचाया है। तो इसीलिए आपको भी बताती हूँ, आपको भी काल भैरव ही बचाएंगे। तो रियूनियन चाहते हो तो काल भैरव का मंत्र का जप कीजिए, सभी कुछ मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, करियर में बढ़ जाओगे, शादीशुदा लाइफ हो जाएगी, रियूनियन हो जाएगा, सब मिल जाएगा। बट डार्क एनर्जी से छूटना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को। जो डिवाइन मैस्कुलाइन, जिन देखो सेपरेशन में डिवाइन मैस्कुलाइन का बहुत लॉस हो जाता है, पैसे मनी लॉस हो जाता है, तो मैं उनको कहती हूँ आप भैरव मंत्र का जप कीजिए, पैसा आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, आपका रियूनियन भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो जाएगा। तो 21 माला भैरव मंत्र का जप शाम को कीजिए, काल भैरव चालीसा भी 5 बार बोलिए, और कोई ना कोई विघ्न आएगा और आपको ये करने नहीं देगा, आपको ये करने नहीं देगा, उसी टाइम पे कोई ना कोई आ जाएगा। तो पहले सेट करना माइंड में, भगवान से प्रार्थना करना कि मैं काल भैरव चालीसा बोल रहा हूँ, कोई भी विघ्न बीच में ना आए, और आए तो भी आपको उनसे बात नहीं करनी है, समझ लेना है कि किसी के भी रूप में ये बुरी एनर्जी आपके आसपास के लोगों के शरीर में घुसेगी, और जब भी आप काल भैरव चालीसा बोलने लग जाओगे, आपको बातों में उलझाएगी, कुछ करेगी, आपको बोलने नहीं देगी, आपका जप नहीं करने देगी। तो बच के रहिए ऐसी एनर्जी से, लेकिन काल भैरव का स्मरण करना मत छोड़िए, वही आपका रियूनियन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी काल भैरव मंत्र का जप करे, काल भैरव चालीसा बोले, हनुमान चालीसा बोले, विघ्नहर्ता का स्मरण करे, महादेव का स्मरण करे, दत्त गुरु का स्मरण करें। ओके, थैंक यू।